हे गाइस, वेलकम टू टू वर्ड सक्सेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे 200 बेस्ट एमसीक्यूज की, जो कि आपके अप्रैल महीने से हैं। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उनको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाल ही में किस देश ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइट एंगल अस्पताल बनवाया? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब्रिटेन। ब्रिटेन करेक्ट है। नाइट एंगल अस्पताल बनवाया है ब्रिटेन ने, और ये नाइट एंगल हॉस्पिटल जो बनवाया गया है ये कोविड-19 के चलते बनवाया गया है। ब्रिटेन यानी कि लंदन में इसको इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ें के बारे में। ब्रिटेन के जो PM हैं ये हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, साथ में आपको एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करने को मिलेगी। यूनाइटेड किंगडम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, यूके। यूके में बेसिकली कुछ बहुत सारी मतलब कंट्री आती है, जैसे इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है यहाँ पर, और आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको साथ के साथ याद रखनी है। यूनाइटेड किंगडम किससे मिलकर बना हुआ है? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, इनसे मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जिन पर इंग्लैंड, दैट इज़ ब्रिटेन को हम पहले नाम से जानते थे, उन्होंने शासन किया था, और उनको अब एक समूह है जो कि स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के नाम से यूनाइटेड किंगडम के नाम से हम जानते हैं। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे USA है, ठीक है, इसी तरीके से UK है। लेकिन USA में कुछ ज़्यादा कंट्री आती हैं, UK में कम कंट्रीज आती हैं। तो ये अपना जो डाउट है ये क्लियर कीजिएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता राम जी का हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया। गीता राम जी कौन थी? तो ये थी वैज्ञानिक। गीता राम जी एक फेमस वायरोलॉजिस्ट थी जिनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया। इन्होंने पहले HIV को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। इसके लिए इन्हें यूरोपियन डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल पार्टनरशिप की तरफ से 2018 में इनको पुरस्कृत भी किया गया, और ये एकमात्र महिला हैं जिनको HIV रोकथाम के लिए उत्कृष्ट महिला पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? HIV की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट महिला पुरस्कार मिला है गीता राम जी को। तो एक काफ़ी फेमस महिला थी, इनको याद रखिएगा। ओलंपिक काउंसिल ने 19वें एशियन खेलों के शुभंकर का चुना गया है, तो इसको चुना गया है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर द स्मार्ट ट्रिपल। द स्मार्ट ट्रिपल ये आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3, तीन है तो इसलिए इसको क्या रखा गया है? ट्रिपल। द स्मार्ट ट्रिपल क्या है? बेसिकली ये तीन रोबोट्स हैं जो आपके 19वें एशियन खेल के लिए चुने गए हैं। 19वें एशियन खेल कहाँ पर होंगे? ये 2022 के अंदर होंगजो में आयोजित होंगे, और होंगजो कहाँ पर है? ये चीन के अंदर है। ये तीनों जो स्मार्ट ट्रिपल हैं, तीनों रोबोट्स हैं, ये जो दर्शाते हैं कोंगकोंग, लियान लियान और चेन चेन, इनके नाम हैं कोंगकोंग, लियान लियान और चेन चेन, इनके नाम हैं। और ये होंगजो शहर और झिंगयांग प्रांत के इंटरनेट कौशल को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? होंगजो शहर और झिंगयांग प्रांत के इंटरनेट कौशल को दर्शाते हैं। होंगजो शहर और झिंगयांग प्रांत दोनों ही चीन के अंदर हैं। चीन के अंदर से ही कोविड-19 बीमारी की शुरुआत हुई है, जो कि शहर है वुहान, वुहान सिटी से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टैक्सी कंपनी ने कोविड-19 में लगे कर्मियों की सहायता करने की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊबर। ऊबर ने जो कोविड-19 में कर्मी लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मी या और जो संबंधित कर्मचारी कोविड-19 से लड़ने में देश की सहायता कर रहे हैं, उनको हेल्प करेगी ऊबर। ऊबर के CEO हैं दारा खसरो शाही, ऊबर के CEO हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच की स्थापना की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कवच की स्थापना की है। कवच को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ये होगा CAWACH, और इसकी अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग मीनिंग निकलती है। इसकी फुल फॉर्म होगी सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। दोबारा से सुनिएगा, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, इसको हम बोलते हैं कवच, और इसकी शुरुआत की है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हाल ही में किस सरकार ने मो प्रतिभा का शुभारंभ किया? तो मो प्रतिभा का शुभारंभ किया है उड़ीसा सरकार ने, तो इसका राइट आंसर होगा
ओडिशा, ओडिशा दैट इज पहले जिसको उड़ीसा सरकार के नाम से हम जानते थे। उड़ीसा मो प्रतिभा जो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, सांस्कृतिक ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसके अंदर घर पर जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं या कोई और भी व्यक्ति हैं, इसमें अपना टाइम पास कर सकेंगे और अपन नारे लिख सकेंगे, कविताएं लिख सकेंगे। इस तरीके की एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है टाइम पास के लिए उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल, यहाँ का नृत्य है उड़ीसी और राजधानी है भुवनेश्वर। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है और यहाँ पर ये है उड़ीसा। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से टच है, तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ये याद रखिएगा, ठीक। और कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पर सूर्य मंदिर है कोणार्क के अंदर, कोणार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ पर है लिंगराज मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उड़ीसा के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च हुआ आरोग्य सेतु ऐप किन की पहचान करने में मदद करता है, तो किसकी पहचान करने में मदद करता है, कोविड-19 रोगियों की, कोविड-19 रोगियों की पहचान करने में मदद करता है। और इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आरोग्य सेतु ऐप 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला, सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाला पहला ऐप बन गया है, पहला ऐप बन गया है 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला सबसे तेजी से, और ये पहचान करता है कोविड-19 के रोगियों की, पॉजिटिव केसेस की। किस अनुसंधान ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण विकसित किया, इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण विकसित किया है और इससे जो डॉक्टर लोग हैं उनकी सुरक्षा की जा सकती है, वो अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की तरह इस उपकरण को प्रयोग में लाएंगे, और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 के अंदर, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे वृद्ध प्रस्ताव भी कहा जाता है, बेसिकली जीके का क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इसको डाला गया है। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन को, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको जो अगस्त प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942, 1942 के अंदर, और इसको चार नाम से जाना जाता है, वृहत प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और नेतृत्व विहीन आंदोलन। अगस्त प्रस्ताव इसलिए क्योंकि अगस्त में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन इसको भारत छुड़वाने के लिए था, नेतृत्व विहीन सभी नेता जो थे जेलों के अंदर थे तो किसी ने इसका नेतृत्व नहीं किया, इसलिए इसको नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट ने राष्ट्रपति और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर होगा 30%। 30% कटौती की इसमें मंजूरी दे दी गई है। इसमें सांसदों के 30% वेतन काटे जाएंगे, 1 अप्रैल से काटे जाएंगे 1 वर्ष के लिए। ये एक्ट था 1954, इसमें संशोधन किया गया और इसको काटा जाएगा 30%, जो कि कोविड-19 बीमारी के चलते ऐसा किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी अपनी इच्छा से 30% कटौती की इच्छा जाहिर की है, तो 30% कटौती राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन से भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने कम कीमत वाला प्राण वायु पोर्टल पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया, राइट आंसर होगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने बहुत ही कम कीमत वाला, लगभग 25,000 रुपये की कीमत है इसकी, 25,000 रुपये की कीमत है, पोर्टेबल है, सबसे बढ़िया बात यह है, इसको कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है, इसको विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की के निदेशक हैं अजीत चतुर्वेदी, अजीत चतुर्वेदी, और रुड़की पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, यह आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल का निर्माण किया, राइट आंसर होगा यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ये वी सेफ टनल, जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से है, इसके अंदर से एंट्री लेते हैं और जो 20 सेकंड के आसपास अगर से ज़्यादा समय लेती है, और जैसे एग्जिट करते हैं फुल बॉडी इसमें आपकी सैनिटाइज कर दी जाती है, एग्जिट करते ही, ठीक है, एग्जिट करते ही फुल बॉडी इसकी सैनिटाइज हो जाएगी, और ये किया है तेलंगाना, तेलंगाना के डीजीपी कार्यालय पर इसको लगवाया गया है।
तेलंगाना में के जो सीएम हैं के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल यहाँ के तमिल साई हैं और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं, माधवीपुरी किस संस्था में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो माधवीपुरी सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज, इसको पढ़िएगा, पूछा जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय, इसके पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं और इनका जो कार्यकाल है ये बढ़ा दिया गया है 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। ये किस कारण से किया गया? COVID-19 के चलते ऐसा करना पड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा सेबी। सेबी के अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, अजय त्यागी। ऊपर आरबीआई आप यहाँ पर देख रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और नीचे आप देख रहे हैं एसबीआई, एसबीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। हाल ही में COVID-19 से संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए सशक्त समूह का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष चुने गए हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत राइट आंसर होगा। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, सीईओ हैं, सीईओ हैं। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वे हैं प्रधानमंत्री, करंट में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार, और नरेंद्र मोदी हैं इसके अध्यक्ष, सीईओ हैं अमिताभ कांत नीति आयोग के। और एक सशक्त समूह का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष बने हैं अमिताभ कांत। ये देखेंगे कि निजी क्षेत्र, सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करके इस बीमारी से, COVID-19 से किस तरीके से उभरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की गई और ये किसने की? ऑपरेशन संजीवनी चलाया है भारतीय वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन संजीवनी। आप देख रहे हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो नामक दवाई है मलेरिया की, इसकी डिमांड हमारे पड़ोसी देशों, चाहे और दुनिया के अलग देशों, उनमें काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। उस मात्रा को पूर्ति करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी भारत सरकार के द्वारा चला गया है। इसमें हमारा जो C-130J विमान है, परिवहन विमान है, उसका प्रयोग किया गया, और इसी ऑपरेशन के तहत हमने मालदीव के अंदर 6.2 टन दवाइयाँ, मेडिसिन और चिकित्सा से संबंधित उपकरण हमने मालदीव को दिए। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव की राजधानी है माले, और मालदीव को आप किंग्स लैंड के नाम से भी जानते हैं, किंग्स लैंड, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किंग्स लैंड के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो माले इसकी राजधानी है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम। पेटा इंडिया ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया? राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पशुओं की देखरेख के लिए दिया जाता है, इन्होंने पशु राहत कोष होता है हर एक राज्य सरकार का, उसके अंदर 54 लाख रुपए डाले ताकि COVID-19 लॉकडाउन के चलते कोई भी पशु बीमार ना हो, कोई भी पशु को भोजन की कोई दिक्कत ना हो, उनके खाने की पीने की व्यवस्था की, इसके लिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। पेटा जो कि एक संस्था है जो जीव जंतुओं से संबंधित कार्यों को देखती है, किसी भी व्यक्तिगत के, अभी पेटा के द्वारा विराट कोहली को 2019 में अवार्ड दिया गया था, ये भी याद रखना। उड़ीसा के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1000 बेड का हॉस्पिटल बनवाया गया, 1000 बेड का हॉस्पिटल बनवाया गया, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, मो प्रतिभा और मो जीवन दोनों ही यहाँ पर ये जो योजनाएं हैं नवीन पटनायक द्वारा चलाई जा रही हैं। यहाँ के राज्यपाल भी आप याद रखिएगा गणेशी लाल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 6 अप्रैल को किस रूप में मनाने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट डेवलपमेंट एंड पीस। इसमें जो देश हैं आपस में शांति के द्वारा सभी मुद्दों को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बताया गया, और इसको मनाया गया 6 अप्रैल को। हाल ही में बिल विदर का निधन हो गया, उन्होंने कौन सा पुरस्कार 3 बार जीता?
बिलवेदर ने जीता ग्रेमी, ग्रेमी अवार्ड जीता बिलवेदर ने 3 बार। और ये अमेरिकन थे, 1971 में इनकी एक एल्बम आई थी जस्ट एज आई एम, जस्ट एज आई एम, उसके लिए इनको ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें से किसे प्रस्ताव किया जाता है, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। ए बी सी यहाँ पर तीन आंसर, तीनों आंसर करेक्ट है। किस स्पेस एजेंसी ने 2024 तक चंद्रमा पर एक मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा नासा। नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर एक मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा कर दी है। ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर एक बेस कैंप बनाया जाएगा, जिसमें जो भी मनुष्य जाएंगे वो 1 से 2 महीने तक रहेंगे, वहाँ पर उसकी स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट से संबंधित, और जो भी ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी है इकट्ठा करेंगे। इसके लिए नासा 2024 तक एक ये मिशन को लॉन्च करने वाला है। नासा के फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दोबारा से सुन लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप COVID-19 के चलते स्थगित कर दिया गया, ये किस देश में होने वाला था? तो ये होने वाला था भारत के अंदर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होना था भारत के अंदर, 2 से 21 नवंबर के बीच में। ये भारत के कुछ जो शहर हैं, नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, इनके अंदर खेला जाना था, लेकिन COVID-19 के चलते इसको स्थगित करना पड़ा। अब बात करते हैं फीफा अंडर 20। फीफा अंडर 20 ये होना है अगस्त के अंदर पनामा और कोस्टा में, ये भी स्थगित करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक भी 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टोक्यो यानी कि जापान के अंदर ये ओलंपिक होना था 2020 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये याद रखना, फीफा के अध्यक्ष हैं गियांत्री इन्फेंटिनी, फीफा के अध्यक्ष हैं, और फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने $75 मिलियन का निवेश जुटाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है जीका के साथ। जीका, जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति शिवाकृति ने, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति शिवाकृति का कार्यकाल 3 माह बढ़ा दिया है, वह किस संस्था के अध्यक्ष हैं? राइट आंसर होगा इसका TD SAT। TD SAT के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति शिवाकृति। TD SAT की फुल फॉर्म याद रखना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल। इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति शिवाकृति, जिनका कार्यकाल 3 माह बढ़ा दिया गया है। ये भी क्यों किया गया है? COVID-19 के चलते। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष नहीं, चीफ जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े, और ये 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का निधन हो गया, वो किस बीमारी से ग्रसित थे? तो हाल ही में जो भी निधन वगैरह आजकल हो रहे हैं, मैक्सिमम कारण उसका COVID-19 है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? COVID-19। COVID-19 के चलते अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का निधन हो गया है, और ये अमेरिकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बी, लाइफलाइन उड़ान। लाइफलाइन उड़ान के जरिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने COVID-19 से निपटने की एक शुरुआत की है, पहल की है। इसके जरिए मेडिकल चिकित्सा के जो भी उपकरण हैं, दवाइयां हैं, उनको देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए 132 मालवाहक उड़ानों का परिचालन किया गया है, और लगभग 184 टन जो चिकित्सा आपूर्ति है वो देश के अंदर की जाएगी। डोपिंग के चलते किन 2 देशों के वेट लिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया? तो सबसे पहले तो ये समझिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसको 1 साल के लिए स्थगित किया गया है, और वो कौन से देश हैं? ये हैं मलेशिया और थाईलैंड। मलेशिया और थाईलैंड के वेट लिफ्टरों पर
ये बैन लगा दिया गया है। अब बैन किस पर कितने दिन के लिए लगा है ये भी याद रखिएगा। थाईलैंड के जो वेट लिफ्टर हैं इन पर 3 वर्ष के लिए लगा है, और जो मलेशिया के वेट लिफ्टर हैं इन पर 1 साल के लिए ये बैन लगाया गया है। ये बैन क्यों लगा है? साफ जानते हैं कि जो भी गेम होता है उसमें अगर कोई चीटिंग या कोई भी नशीली दवाई या किसी और तरह की इलीगल चीज़ें जो भी गेम में अलाउ नहीं है उनका प्रयोग किया जाता है, उसके चलते ये बैन लगा दिए जाते हैं खिलाड़ियों पर। हाल ही में एमके अर्जुनन का निधन हो गया। एमके अर्जुनन ये किस लिए जाने जाते थे? तो इसका इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत। एमके अर्जुनन संगीत के लिए जाने जाते थे, और ये मलयालम संगीतकार थे, इनको अर्जुन मास्टर भी कहा जाता था। अच्छा एक क्वेश्चन, यहाँ पर हमने थाईलैंड की बात करी, तो थाईलैंड की राजधानी याद रखिएगा बैंकॉक है, मुद्रा है यहाँ की थाई बहर। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मलेशिया की जो मुद्रा है वो है रिंगरेट, रिंगरेट। हाल ही में यूबी परवीन राव को किस संस्था का चेयरमैन पर्सन नियुक्त किया गया? तो यूबी परवीन नियुक्त हुए हैं नैसकॉम के चेयरपर्सन या अध्यक्ष। नैसकॉम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नैसकॉम का जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1980 को, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें नर्सों को और जो भी मिडवाइफ्स हैं उनको सम्मान के रूप में और उनको सपोर्ट करने के रूप में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और इस बार की जो थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, इसको मनाता कौन है? WHO के अनुसार ये मनाया जाता है, और WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा में। WHO ने इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड द मिडवाइफ्स घोषित किया है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स घोषित किया है। WHO के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान अध्यक्ष वो हैं टेड्रोस, टेड्रोस। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को WHO की, 7 अप्रैल 1900। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटर घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो भारत सरकार का डिजी लॉकर है जिसके अंदर कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, अपने जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसके अंदर रख सकते हैं, और उनको किसी भी अधिकारी के समक्ष पेश किया जा सकता है और वे वैध होंगे, इसके लिए जो शैक्षणिक डिपोजिटर इसको घोषित कर दिया है। तो इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह, महिला एवं बाल विकास स्मृति ईरानी, और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए 2.9 मिलियन डॉलर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा USAID, USAID, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी टैगलाइन है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। इसने भारत की मदद की है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, 2.9 मिलियन डॉलर की। और साथ में कुछ चीज़ और याद रखें, 3 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA के अंदर, और इसके प्रशासक हैं मार्क ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय वित्तीय संस्था ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को आपात कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज राइट आंसर सी,
सिडबी इसका राइट आंसर होगा। सिडबी एक, इसने 1 करोड़ रुपए तक के जो भी लोन है उनको 48 घंटे के अंदर 5% की ब्याज पर देने की घोषणा की है। और इसमें एक प्लान चल रहा है सेफ प्लस पहल। सेफ प्लस पहल के अंतर्गत जो एमएसएमईज हैं, दैट इज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनके लिए जो ऋण है 50 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए जिसकी सीमा हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग के चीफ ने कोविड-19 से निपटने के लिए अब तक सबसे बड़ा दान दिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। ट्विटर के जो चीफ हैं इन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन, दैट इज 6,500 करोड़ रुपये इन्होंने दान किए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसको जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं दुनिया भर के जो देश हैं उसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसका इस्तेमाल कर पाएंगी। और ट्विटर के सीईओ हैं जेक डर्सी। जेक डर्सी, ये आप देख रहे हैं जेक डर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के कर्मियों को किस नाम से संबोधित किया गया जो लोगों तक दवाई पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य के सिपाही। स्वास्थ्य के सिपाही उनको नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जो कि भारतीय जन औषधि परियोजना है जिसके अंदर बहुत ही सस्ती दवाई लोगों तक पहुँचाई जा रही है और कोविड-19 के चलते जो लोग लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं आ सकते उन तक जो कर्मी लगे हुए हैं जन औषधि परियोजना के, उनको नाम दिया गया है स्वास्थ्य के सिपाही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की निगरानी के लिए कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना बनाई है? ये निर्माण किया है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदर राजन। और यहाँ पर उगाड़ी उत्सव मनाया जाता है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष में। अब कोविड-19 जो मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप है ये किस लिए बनाई गई है? जो कोविड-19 से संबंधित लोग हैं उनकी पहचान, उनकी निगरानी, उनको ट्रैक करने के लिए, उसके लिए बनाई गई है कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? 5T प्लान की घोषणा की, राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है जिसमें पहले टी का मतलब है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा टीम वर्क और पांचवा है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। टेस्टिंग सबसे पहले उन एरियों में टेस्टिंग की जाएगी जो लोग पॉजिटिव मिलेंगे, उसके बाद में ट्रेसिंग की जाएगी, उनको ढूंढा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और टीम वर्क इसमें चाहिए और उसके बाद में उनकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी कि उसका जो उपचार है, जो जन सुविधाएँ हैं वो लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं, उसके लिए एक मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी किया जाएगा। ये 5T प्लान है जो कि दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि होते हैं उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल, किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इसको कोई भी खरीद सकता है एयरटेल थैंक ऐप के जरिए से। 499 रुपये की कीमत रखी गई थी और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनुव्रत विश्वास। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइज लोगों के किस ऐप के से विकसित किया? निगरानी करने के लिए जो लोग होम क्वारंटाइन किए जाते हैं उन पर निगरानी रखने के लिए ये ऐप किया गया है और इसका नाम है रक्षा सर्वे ऐप। इसमें रक्षा सर्वे ऐप में क्या, घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा लोगों को और ये जांच करने के लिए कि लोग घर पर हैं या नहीं। इसमें समय समय पर सेल्फी अपलोड करनी होगी जिसके जरिए जो ऐप है वो ये एनालिसिस करेगी कि ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं और उसके जरिए से पता लग जाएगा कि घर पर हैं या कहीं बाहर हैं, उसके बैकग्राउंड वगैरह से, उसके टाइम से और वहाँ की लोकेशन से। पंजाब सरकार ने भी एक ऐसी ही सिमिलर ऐप डाउनलोड विकसित की थी जिसका नाम रखा था कोविड कंट्रोल। पंजाब ने बनाई थी कोविड कंट्रोल और रक्षा सर्वे ऐप बनाई है छत्तीसगढ़ सरकार।
ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल हैं यहाँ के अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस ऑनलाइन मेगा चैलेंज की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा समाधान। समाधान एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा AICET के द्वारा माध्यम से चलाया गया है। इसमें छात्र और फैकल्टियों को नए प्रयोग ऑनलाइन चैलेंज, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें जो कि फैकल्टी हैं और छात्र हैं उसमें कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, इस हालात से कैसे काबू में किया जाए, इसको एक मेगा चैलेंज के रूप में रखा गया है और इसको नाम दिया गया है समाधान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल हैं और AICTE के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अनिल सहस्त्रबुद्धि, अनिल सहस्त्रबुद्धि, AI लिख देता हूँ उसको, AICTE, ऑल इंडिया ऑफ काउंसलिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल, जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। ऑपरेशन शील्ड में भी एक इसी तरीके का एक पर्टिकुलर जो प्लेस है उस पर जहां पर कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं उसको क्या किया जाएगा, सील्ड किया जाएगा और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि ये जो स्प्रेड है दूसरे लोगों में ये बीमारी ना फैले। एक जगह लॉकआउट किया जाएगा, उनको लॉकडाउन किया जाएगा, एक तरीके का एक छोटे प्लेस को सील्ड ऑपरेशन नाम से रखा गया है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इस अभियान के जरिए इसमें ऑनलाइन शिक्षा को आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनके बारे में सुझाव मांगे गए हैं। इसमें एक हैशटैग भी लॉन्च किया गया है ट्विटर पर, हैशटैग भारत पढ़े ऑनलाइन, या फिर आप इसके भारत पढ़े ऑनलाइन .mhrd@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं और अपने सुझाव रख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा में कौन कौन सी बाधाएं हैं और किस तरीके से इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इसमें आपके जो सुझाव हैं ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मांगे गए हैं। हाल ही में द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मैरी जॉर्डन के द्वारा, द आर्ट ऑफ हर डील, जिसके अंदर इनकी जो कार्यशैली है मेलिना ट्रंप की, जो कि ट्रंप की वाइफ है, मेलिना ट्रंप की कार्यशैली के बारे में दर्शाया गया है, जो कि उनकी रणनीति और कार्यशैली पर लिखी गई एक पुस्तक है जिसके माध्यम से मैरी जॉर्डन ने बताने की कोशिश की है कि इनकी जो महत्वपूर्ण डीलें हैं उनका विश्व पर क्या असर हुआ है और आने वाले समय में जो इनकी डील्स हैं वो दुनिया को किस ओर ले जाएंगी। तो ये पुस्तक लिखी है मैरी जॉर्डन ने। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर होगा 4.8%। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। ये होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इस बार का जो विषय था ये था लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, एडवांसिंग साइंटिफिक कोलाबोरेशंस। और ये इस बार की 265वीं जयंती मनाई गई डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की और इसको मनाता है हमारा आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं श्रीपाद येसो नाइक आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। भारत बायोटेक ने कोरो फ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए किस फर्म के साथ करार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लूजेन। ये फ्लूजेन अमेरिका की कंपनी है जिसको भारत बायोटेक ने इसके साथ में काम करने के लिए सहमति जताई है और कोरोफ्लू वैक्सीन तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर ये दोनों काम करेंगे। फ्लूजेन जो कि बैकबोन वैक्सीन है इनकी एक M2SR जिसके जरिए ये तैयार करेंगे कोरोफ्लू।
भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है जो तेलंगाना में है, और इसके अध्यक्ष हैं कृष्णा एम एला। फीफा द्वारा नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का जो स्थान है वो है 108। फीफा की नवीनतम रैंकिंग आई जिसमें भारत का 108, पहले भी 108 था, तो अपने वर्तमान जगह पर है। पहले स्थान पर रहा बेल्जियम, फ्रांस रहा दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील रहा तीसरे स्थान पर। फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख के अंदर, और ये है स्विट्ज़रलैंड में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने आई सी सी आई लेम्बोर के साथ में। फ्लिपकार्ट जो कि आप देख रहे हैं भारतीय कंपनी है, इसने ICICI लेम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ में ये साझेदारी की है, और इंश्योरेंस में भी अपने हाथ आजमाने की कोशिश की है। तो फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, ICICI CEO हैं इसके भार्गव दास गुप्ता, और इसके बारे में इतना ही आप याद रखना। पद्म श्री से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा इनका होगा नृत्य, सॉरी इनका होगा गायन, ये गायन से जुड़ी थी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक गायन से जुड़ी थी। और इनका जो फेमस क्षेत्र था ये था ठुमरी दादरा गजल गायन। ये हीरानंद चावला जी थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, और इनको बेगम अख्तर से इन्होंने शिक्षा ली थी, और इन्होंने बेगम अख्तर पर एक पुस्तक भी लिखी है, बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भी है। और इनको 2007 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया था, 2007 में पद्मश्री। कोविड-19 से लड़ने में ऑक्सफोर्ड ट्रैकर ने किस देश को बेहतर बताया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ऑक्सफोर्ड ट्रैकर ने भारत को सबसे बेहतर बताया है। भारत की जो नीतियां हैं कोविड-19 से लड़ने में पूरी दुनिया में सबसे बेहतर बताई गई हैं, और ये डाटा एनालिसिस एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफोर्ड ट्रैकर, और इसने एक 73 देशों का डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद इसको सबसे बेहतर बताया भारत को, याद रखिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कोविड-19 से निपटने के लिए किसके साथ साझेदारी की? राइट आंसर होगा यूनिसेफ के साथ में साझेदारी की है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। और ये साझेदारी में इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें नागरिकों को जागरूक किया जाएगा कोविड-19 से किस तरीके से बचा जाए, और क्या क्या प्रिकॉशन पहले से अपनाए जाए ताकि वो संक्रमित ना हो। दोनों मिलकर काम करेंगे हिंदुस्तान लीवर और यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ओके। और यूनिसेफ इसका मुख्यालय आप याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। इसकी स्थापना हुई 1946 में, 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। साथ में एक चीज़ और याद रखना है HUL के बारे में, 1933 के अंदर HUL की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO हैं संजीव मेहता। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष की भी बात करेंगे तो ये हैं हेनरिटा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है निकोबार ने। निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, और इनकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करने के लिए 24/7 समर्पित हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया है निकोबार के लिए, और ये अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और इसका मैप भी आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये अंडमान है, और ये वाला निकोबार है। इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ये एग्जाम में आपका आता ही रहता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार आपको आपस में, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये याद रखना सैडल चोटी है, ये कहाँ पर है? अंडमान के अंदर सैडल चोटी, ठीक है। और
ये 10 डिग्री चैनल हो गया, सैडल चोटी होगी, पोर्ट ब्लेयर इसकी सिटी हो गई और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है। हाल ही में इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका राय राष्ट्रवार। अनामिका राय राष्ट्रवार इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ बनी है। इफको की स्थापना सन 2000 के अंदर हुई और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे शक्तिकांत दास हमारे वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के, नीता अंबानी जो आप देख रहे हैं ये अंबानी फैमिली की वाइफ हैं और अंबानी ग्रुप्स की सीईओ भी हैं। अमिताभ कांत हमारे सीईओ हैं किसके? नीति आयोग के। मैंने इसके बारे में पहले आपसे बात की, सीईओ हैं नीति आयोग के। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डेली करंट अफेयर भी यहाँ पर लाता हूँ तो आप उसको भी देख पाएंगे। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार कौन सा शहर आईटी पेशेवरों के लिए काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर बन गया है? राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु सबसे पसंदीदा शहर है। जो आईटी पेशेवर हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो काम करते हैं, उनके लिए जो सबसे फेवरेट है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु को गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली और कर्नाटक की राजधानी है। गार्डन सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं, और हैदराबाद दूसरे स्थान पर इसमें चुना गया है और पुणे तीसरे स्थान पर चुना गया है सबसे पसंदीदा शहरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की? राइट आंसर होगा 2.2 बिलियन डॉलर। 2.2 बिलियन डॉलर। एडीबी की फुल फॉर्म याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक मुख्यालय है इसका मनीला के अंदर, फिलीपींस में। मनीला राजधानी है फिलीपींस की, और अध्यक्ष हैं इसके मानसुंग असोकावा, और इसकी स्थापना हुई 1966 में, 1966 के अंदर इसकी स्थापना। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने के लिए योजना शुरू की है? फेस मास्क जो कि हमारे देश में काफ़ी इश्यू का मुद्दा बना हुआ है, जिसकी कमी काफ़ी देश में चल रही है, तो जेलों के अंदर फेस मास्क बनाएगी तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु सरकार ने जो अपने कर्मचारी हैं जेल के, जो कैदी हैं, उनके माध्यम से फेस मास्क बनाने की योजना तैयार की है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, याद रखना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पालनस्वामी, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मद्रास उच्च न्यायालय यहाँ का उच्चतम न्यायालय लगता है, और इसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस भी याद रखेगा अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ की लोकसभा में 39 और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। विधानसभा में भी 234 सीटें हैं तमिलनाडु की, याद रखना है। किसने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। गूगल ने वर्चुअल कीबोर्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि अंधे लोग होते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड का। इसमें जो अंधे लोग हैं वो, उनको आप देखते होंगे, उनको टचिंग की एक चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसी के माध्यम से ये लोग इसका प्रयोग कर पाएंगे। गूगल की स्थापना हुई 1998 में, गूगल की स्थापना हुई 1998 में, और इसके जो संस्थापक थे सेंगे ब्रिन और लेरी पेज थे। सेंगे ब्रिन और लेरी पेज सीईओ हैं वर्तमान में इसके सुंदर पिचाई, जो कि एक भारतीय अमेरिकन है। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। हाल ही में जॉन प्राइम का निधन हुआ, उनका संबंध किससे था? तो जॉन प्राइम थे गायक। जॉन प्राइम गायक थे और ये अमेरिकी लोक गायक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, और इनका निधन भी किस वजह से हुआ? कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते, कोविड-19 के चलते ये अमेरिकन गायन थे जॉन ब्रैंक, इनका निधन हो गया, ये आप देख रहे हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण एक महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर होगा जापान। जापान एक महीने का आपातकाल लगा दिया कोविड-19 के चलते, और जापान के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो, इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा है येन, जेपनीज येन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शिंजो एबे। डायट यहाँ की सांसद को बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायट।
डायट, जैसे भारत में हमारे पार्लियामेंट को बोलते हैं सांसद, संसद भवन, इसी तरीके से यहाँ पर बोला जाता है डायट। जातीय पंचायत, एक और याद रखिएगा, इसी की तरह का है, जातीय पंचायत, जातीय पंचायत, जातीय पंचायत बोला जाता है बांग्लादेश की संसद को। माउंट फिजी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट फिजी, जापान की हम बात कर रहे हैं, माउंट फिजी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं निर्यात करने की घोषणा की? तो भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी हेल्प करने में बिल्कुल आगे आ रहा है, और ये इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत 1 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, मुद्रा चलती है अफगानी, और अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब हुआ इसके चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है, बिल्कुल जमीन से घिरा हुआ देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। यहाँ की जो संसद है ये भी याद रखना, इसको बोला जाता है सोरा। जैसे हमने अभी देखा जातीय पंचायत बोलते हैं बांग्लादेश को, और जापान को बोला जाता है डायट, इसी तरीके से अफगानिस्तान की संसद को बोला जाता है सोरा। केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किस नाम से स्टोर खोलने की योजना पर विचार कर रही है? इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा स्टोर, इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा स्टोर। रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें हैं उनको सुरक्षा स्टोर में बदलने की एक सरकार योजना बना रही है। इसमें क्या होगा, बेसिकली 20 लाख जो खुदरा दुकानदार हैं उनको सुरक्षा स्टोर में तब्दील करने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। इससे मोहल्ले की जो किराना स्टोर हैं उनको बदला जाएगा, और जो वहाँ के लोकल के जितने भी राशन वाली दुकानें हैं उनको सुरक्षा स्टोर में बदलने की जरूरत भी है, और इस पर कार्य करेगी केंद्र सरकार। सुरक्षा स्टोर में बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया जाएगा, वहाँ पर जो दुकानें हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनकी जो हाथों की और उनके जो बॉडी वाला कवर है उनको वो प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि COVID-19 से वो भी बचे रहें। सैनिटाइज टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? हमने पहले देखा था सैनिटाइज टनल लगाई गई थी तेलंगाना सरकार के DGP कार्यालय पर। अब हम बात कर रहे हैं सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये बन गया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे के अंदर आता है, और यहाँ पर कर्मचारियों और यात्रियों को सैनिटाइज करने के लिए सबसे पहली टनल, सैनिटाइजर टनल लगाई गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, तो ये क्या है, 2 लेयर मास्क, 2 लेयर मास्क, कितने लेयर का मास्क, 2 लेयर। खादी ग्राम उद्योग ने 2 लेयर का मास्क बनाया है जो 70% नमी बनाए रखने और हवा को आसानी से पास करने में सक्षम है। इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, इसको धोकर सैनिटाइज कर दोबारा यूज कर सकता है, और इसको मास्क बनाने की संख्या 7.5 लाख है। 7.5 लाख के आसपास मास्क बनाए जा रहे हैं ताकि जो देश के अंदर मास्क की कमी है वो उसको पूरा किया जा सके। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष हैं VK सक्सेना, VK सक्सेना। किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत की? तो मणिपुर सरकार, राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर सरकार। मणिपुर सरकार ने फूड बैंक की लॉन्च किया है जिसमें जरूरत की जो भी जरूरत चीज़ें हैं, चाहे सब्जी हो चाहे राशन हो, उनको प्रोवाइड कराएगा फूड बैंक, जो शुरुआत की है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर सरकार हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क वितरण करेंगे फूड बैंक के माध्यम से। यहाँ के CM हैं एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। यहाँ पर लोकटक झील भी है, यहाँ पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो काफ़ी फेमस है, देश का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। यहाँ की राजधानी है इम्फाल। हाल ही में किस मंत्रालय ने युक्ति नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है युक्ति नामक वेब पोर्टल। इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें एक तरीके से मानव संसाधन का जो मंत्रालय है इसको जोड़ा गया है विभिन्न संस्थानों से, जिसमें संचार की व्यवस्था प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी संस्थान COVID-19 से लड़ने में लगे हुए हैं, अगर उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संपर्क करना है तो उनको वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, युक्ति नामक वेब पोर्टल के जरिए वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तुरंत संपर्क कर पाएंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, रमेश पोखरियाल, गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ शाह। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का अंतरिक्ष दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 12 अप्रैल, तो 12 अप्रैल इसका राइट आंसर। IMF ने किस बाहरी सलाहकार समूह में किसे बाहरी सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए किया है बेसिकली, तो इसका राइट आंसर होगा रघुराम राजन। रघुराम राजन जो कि हमारे पूर्व RBI गवर्नर रहे हैं, उनको बाहरी सलाहकार के रूप में IMF ने शामिल किया है। और रघुराम राजन बेसिकली इसमें करेंगे क्या कि COVID-19 से संबंधित जो देश दुनिया के अंदर एक मंदी का दौर आया है, इससे कैसे दुनिया को उभरा जाए, इससे संबंधित सलाह जो बनाएगी ये कंपनी, तो इसका बाहरी सलाहकार समूह बनाया गया है रघुराम राजन को। रघुराम राजन हाल में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है और इसका 189 इसके सदस्य देश हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है ये Washington DC के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 के। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान अध्यक्ष हैं IMF के। इस राज्य सरकार ने पढ़ाई आपके द्वार पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ी तुम्हारे द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो बच्चे हैं वो आप पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, जो पहले रायपुर हुआ करती थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं यहाँ के अनुसुईया उइके। यहाँ पर नृत्य की बात करें तो नाचा सुआ रहस यहाँ के नृत्य हैं प्रमुख। यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें और लोकसभा में 11 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती, यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और पढ़ी तुम्हारे द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। कहाँ की सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए NADDI नदी ऐप मोबाइल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुदुचेरी। पुदुचेरी ने नदी ऐप लॉन्च किया है COVID-19 से निपटने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये काम करेगा और ये बंगाली खाड़ी के अंदर पड़ता है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, राजधानी पुदुचेरी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होते हैं ये हैं किरण बेदी। हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है? तो मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है भारतीय रेलवे। मोबाइल डॉक्टर बूथ क्या है बेसिकली? ये मोबाइल एक तरह मतलब चलित मान है, कहीं भी इसको लेके जाया जा सकता है और इसको बनाया है भारतीय रेलवे ने और ये सब फंक्शन किए जा रहे हैं COVID-19 के चलते। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए गुरुपाक्ष मिश्रा। गुरुपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CEO बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं गुरुपाक्ष मिश्रा जी को। रजनीश कुमार SBI के चेयरपर्सन हैं। हसमुख अधिया बैंक ऑफ बड़ौदा के और SS मल्लिकार्जुन PNB के। ठीक है, किस राज्य के एम्स में भारत की पहली दुरुस्त स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य है और इसमें जो ऋषिकेश ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है उसके अंदर भारत की पहली दुरुस्त स्वास्थ्य निगरानी की प्रणाली की शुरुआत की गई। इसमें बेसिकली क्या होगा, डॉक्टर दूर रहकर शरीर का तापमान ऑक्सीजन की निगरानी कर सकेंगे और ये किसके लिए किया जा रहा है? COVID-19 के। मरीज घर बैठे इसमें डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे, बात कर सकेंगे और ये किसके साथ मिलकर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है BHEL के और एम्स ऋषिकेश और BHEL के माध्यम से इसके स्थापना की गई है। BHEL का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। BHEL की स्थापना 1954 में। बेंगलुरु को हम गार्डन सिटी सिलिकॉन वैली भी कहते हैं और BHEL के जो MD हैं वे हैं MV गौतम। BHEL एक नवरत्न कंपनी के अंदर आती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई? इसका राइट आंसर होगा HDFC। HDFC बैंक में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। ये पहले 0.1% हुआ करती थी, 0.8% हुआ करती थी, अब ये बढ़कर हो गई है 1.09%, 1.9%। लगभग इसकी अगर कीमत की बात करें तो 2,976 करोड़, 2,976 करोड़ इसकी वैल्यू है। और HDFC के CEO हैं के की एम मिस्त्री। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। हाल ही में साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट किस बैंक द्वारा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक को हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। और ये रिपोर्ट 8 देशों में तीव्र आर्थिक ग्रोथ का अनुमान के बारे में बताई गई है, जिसमें 2020 के अंदर जो रीजनल ग्रोथ है वो 1.8 से 2.8% के बीच ग्रोथ इसकी संभावना की गई है। इस रिपोर्ट में मालदीव सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, और श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। इन देशों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस कोरोना वायरस का। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव सबसे ज़्यादा, श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट मालपास, और इसकी स्थापना हुई 1945 के अंदर, 1947। प्रधानमंत्री ने COVID-19 से निपटने के लिए कितनी बातों का अनुसरण करने का अपील की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 बातों। 7 बातों को अपील की गई है। जो 7 बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, जो की गई थी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए, और इन 7 बातों का उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अपील की गई थी पूरे देश से। किस मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया? राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर है रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का रोजगार मंत्रालय ने ये वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष बनाए हैं, जिसमें ईमेल, व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फ़ोन करके अपने जो भी वेतन संबंधी शिकायतें हैं जो श्रमिक लोग हैं वो दूर कर पाएंगे। इसके जो हमारा रोजगार मंत्रालय है, इसके मंत्री हैं संतोष कुमार, और इसमें 20 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। किस राज्य ने COVID-19 से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल आरंभ किया? सबसे पहले ये किया केरल। केरल ने प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको सबसे पहले अपनाया। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? बेसिकली जो लोग COVID-19 पॉजिटिव हैं और वो अपनी बीमारी को रिकवर कर चुके हैं, बीमारी से जीत चुके हैं, उनके अंदर जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सिस्टम होता है वो ज़्यादा हाई होता है, हाई लेवल पर होता है। तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ये आप जानते हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा निकाल के जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका, जो लोग ग्रसित हैं उनके अंदर चढ़ा जाता है ताकि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करा जा सके। और अब फिलहाल में ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्निक है, ये काफ़ी काम कर रही है इस बीमारी से लड़ने में, और इसका जो ट्रायल है वो पूरे देश के अंदर शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले शुरू किया केरल ने। केरल के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ की लोकसभा में 20 सीटें और यहाँ की राज्यसभा में 9 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साइलेंट वैली है यहाँ पर, ये काफ़ी एग्जाम में आता है। पेरियार भी यहीं पर है और इडक्की अभयारण्य यहाँ पर मौजूद है। विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किसने किया या किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी ने मिलकर कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है। कोविड ज्ञान में जो लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में सैनिटाइजेशन कैसे किया जाए, इन सभी पर एक रिसर्च और एक अभियान के रूप में इसको लिया जा रहा है। IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये बहुभाषी विज्ञान संचार है जो कि देश की काफ़ी भाषाएं हैं हमारे देश के अंदर, उन सभी में इस अभियान को चलाया जा रहा है। किस आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषंग का विकसित किया? डिजिटल है
इसके माध्यम से बिना कांटेक्ट में आए किसी का भी टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर नहीं नापते, इसे नापते हैं दिल की धड़कन, हर्ट्स नापी जा सकती हैं। और इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी बॉम्बे ने। और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई 1958 के अंदर, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं सुभाषिस चौधरी, सुभाषिस चौधरी इसके वर्तमान निदेशक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिसमें MV राजशेखरन जो कि कर्नाटक से मंत्री रहे हैं उनका निधन हो गया, और जो बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री रहे थे, सुषमा स्वराज हमारे विदेश मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री, और इन तीनों का ही निधन हो चुका है, तीनों ही याद रखने हैं। किस राज्य ने COVID-19 के मरीजों की देखरेख के लिए कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग करना किया, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कोबोट रोबोट जो प्रयोग किया है ये किया है झारखंड सरकार ने, झारखंड सरकार ने कोबोट रोबोटिक्स का प्रयोग किया गया है COVID-19 के पेशेंट को सर्व करने के लिए, उनको भोजन देने के लिए, उनको चिकित्सा की संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए इन पेशेंट के और वो इन्फेक्शन से बचे रहें। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, नृत्य हैं यहाँ के पाइका और झाऊ, यहाँ की लोकसभा में 14 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें और यहाँ की राज्यसभा में 6 सीटें हैं। यहाँ पर अभी एक रेडियो चलाया गया था, रेडियो रांची, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हजारीबाग है और बेतला है। कौन सा राज्य COVID-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो पूल टेस्टिंग के माध्यम से जो टेस्टिंग शुरू की है ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूल टेस्टिंग शुरुआत की है। पूल टेस्टिंग में बेसिकली क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नमूने लिए जाएंगे, 10 नमूने इकट्ठे किए जाएंगे, 10 नमूने में से अगर 10 के 10 नेगेटिव आते हैं, नकारात्मक आते हैं, तो उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पर जो बीमारी है इसका प्रकोप कम है। बाकी अगर पॉजिटिव आते हैं तो वहाँ पर बाकी सभी की टेस्टिंग की जाएगी व्यक्तिगत रूप में, ये होता है पूल टेस्टिंग। और पूल टेस्टिंग को शुरू करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि विधान परिषद वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के क्षेत्र में, और यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें हैं जो कि सबसे अधिक हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं जो कि सबसे अधिक हैं, और यहाँ की विधान परिषद में 100 सीटें हैं जो कि सबसे अधिक है। यहाँ का एक नृत्य है कथक, कथक यहाँ का प्रमुख नृत्य है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अभी योगी जी ने योग महोत्सव का भी उद्घाटन किया था ऋषिकेश के अंदर किया था, तो इसको भी याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। और राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक दामिनी हेल्पलाइन शुरू की है जो कि महिलाओं के लिए है ताकि महिलाएँ सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। राजधानी है लखनऊ। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश पहल के अंतर्गत जो देश के विभिन्न पर्यटन स्थल हैं उनको एक श्रृंखला में जोड़कर देखो अपना देश एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को, इसके अंदर वर्ल्ड आर्ट डे इसको हम बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। जो भी इसके आर्किटेक्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के रूप में विश्व कला दिवस मनाया जाता है, और कला को एक अलग ही रूप में माना गया है, कला एक अलग ही कम्युनिकेशन का माध्यम रहा है, कला के माध्यम से लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं और देश दुनिया को उनसे प्रेरित किया है। राइट आंसर होगा 15 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल क्या मनाया जाता है, ये आप कमेंट में पूछ बताएं।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की 2020 के अंदर भारत इसकी मेजबानी करेगा, पुरुष और महिला दोनों की करेगा, और ये नवंबर के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले भारत ने 1980 के अंदर पुरुषों की मेजबानी की खेल की, और 2003 हिसार में महिलाओं के मुक्केबाजी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की पहल कर चुका है। टोक्यो ओलंपिक के लिए, जो टोक्यो में ओलंपिक होने थे 2020 के अंदर, अभी स्थगित हुए हैं, उसमें भारत के 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब बात करते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ये याद रखना है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर दे फ्रांस स्थगित हो गया, यह किस देश में होना था? जैसा कि नाम से क्लियर है, ये होना था फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर टूर द फ्रांस बहुत ही फेमस साइकिल रेस है, जो 3 सप्ताह तक चलती है, और ये 27 जून को शुरू होने वाली थी, जो अब स्थगित कर दी गई है। सबसे पहले ये 1946 में भी स्थगित हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, ताकि जो देश है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के जो परिणाम हैं उनसे उभर पाए, उसके चलते भी ये कैंसिल करनी पड़ी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, राजधानी है पेरिस, और यहाँ पर चलता है यूरो, मुद्रा है यूरो। एडीबी ने अपने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को $6.5 बिलियन से कितना करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा $20 बिलियन। $20 बिलियन पहले $6.5 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने की एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं इसके भी वर्तमान मासूम अस्कावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये पैकेज है 6.5 से बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा पहला राज्य बना जो कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करेगा, और आयुर्वेद में क्या होगा बेसिकली, जैसे कि आप देख रहे हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाया जाएगा आयुर्वेद के माध्यम से। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दवाई होती हैं, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और ऐसा करने वाला गोवा पहला राज्य बना। गोवा ही पहला राज्य बना है जो कोरोना मुक्त हुआ है, आधिकारिक तौर से कोरोना मुक्त हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोविड-19 मुक्त आधिकारिक तौर पर पहला राज्य बना गोवा। आएगा ही आएगा एग्जाम। एलोपैथी और आयुर्वेद प्रयोग करने वाला राज्य बना है, और सबसे पहले कोविड-19 मुक्त राज्य बना है। राजधानी है पणजी, और CM है प्रमोद सावंत, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, कहाँ की राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर सरकार ने कक्षा 3-4-5 की जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें हैं उनका एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। मणिपुर नीति आयोग के जो स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है उसमें छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पद रहा। याद रखना, छोटे राज्यों में जो नीति आयोग है हमारा, इसने एक अभियान चलाया स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रहा मणिपुर छोटे राज्यों के अंदर, ठीक है। और CM बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं, और नजमा हेमतुल्ला यहाँ की राज्यपाल है। यहाँ पर एक केबुल लामजाओ तैरता उद्यान है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पोर्ट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने लॉन्च किया है नियर बाई स्पोर्ट, जिसके माध्यम से आप अपने पास का जो राशन की दुकानें हैं, असेंशियल स्टोर्स हैं, उनकी जानकारी ले पाएंगे। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज। मुख्यालय है कैलिफोर्निया वाशिंगटन DC। SBI ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को कब तक के लिए माफ कर दिया? तो राइट आंसर होगा 30 जून 2020। SBI ने ATM पर जो भी सेवा शुल्क लगता था वो 30 जून 2020 तक माफ कर दिया है। अब कोई भी इस पर चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप SBI के ATM से लेन देन करें या किसी अन्य ATM से आप लेन देन करते हैं,
तब भी इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा पावर। टाटा पावर ने एडिसन अवार्ड जीता है सामाजिक नवाचार के लिए। सामाजिक नवाचार बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं सर्वप्रथम उनको दिया जाता है एडिसन पुरस्कार। एडिसन पुरस्कार दिया गया टाटा पावर को। टाटा पावर ने देश के अंदर काफ़ी बिजली बचाने का काम किया है। इसका एक तरीके से अभियान है स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान, जिसके लिए टाटा पावर को एडिसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एडिसन पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये नवाचारों और इन्वेटर्स जो इनोवेटर्स होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी थॉमस एल्वा एडिसन की स्मृति में। थॉमस एल्वा एडिसन ने ही बल्ब का निर्माण किया था, और टाटा पावर के CEO हैं परवीर सिन्हा, परवीर सिन्हा, और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉरपीडो बेचने की मंजूरी दी? तो ये भी है अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने भारत के अपने रक्षा क्षेत्र को रक्षा करने के लिए एंटी शिप मिसाइल और टॉरपीडो बेचने की मंजूरी दे दी है। किसको पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जबकि अजय त्यागी, यहाँ पर आप देखेंगे अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी है सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया। रजनीश कुमार हैं SBI के चेयरपर्सन, और SS मल्लिका अर्जुन हैं PNB के चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल लोहाब असाउई को अरब फिक्शन अवार्ड दिया गया है। इनको ये 13वां अवार्ड दिया गया है, और ये अल्जीरियाई लेखक हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इनका एक उपन्यास था द स्पॉर्टन कोर्ट, जिसके लिए इन्होंने ये उपन्यास जीता है। और इस उपन्यास में 50,000 अमेरिकन डॉलर US डॉलर दिए जाते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया, यह कहां पर आयोजित होना था? तो यह होना था चीन के अंदर होना था, और 29 जून से 9 जुलाई तक ये होना था पूर्वी चीन के फूजियान प्रांत में। लेकिन ये अभी क्या हो गया, स्थगित हो गया। क्यों हुआ ये सभी जानते हैं, COVID-19 के चलते। राष्ट्रपति हैं शी जिनफिंग, राजधानी है बीजिंग चीन की, मुद्रा है चीनी युआन, और यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे उजले। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस के अंदर, और पेरिस है फ्रांस की राजधानी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजीत चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। तो रणजीत चौधरी किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये थे अभिनेता। रणजीत चौधरी अभिनेता थे। इनकी फिल्म आई थी खट्टा मीठा, जिससे ये काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। किस राज्य ने 8,000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने की घोषणा की है? डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेगा बिहार राज्य डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करेगा। इसमें जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनमें उनके घरों जाकर उनकी टेम्परेचर मेजरमेंट और जो भी संबंधित होते हैं COVID-19 से उनकी जांच करेगा, और डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल से आते हैं, और फागू चौहान यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और 3 राज्य हैं जो कि बिहार से बोली बनाते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। एक देश भी है, कंट्री भी है जो बिहार से सीमा बनाती है, वो है नेपाल। यहाँ की लोकसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, और विधानसभा में 243 सीटें हैं। किस देश ने COVID-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण की मंजूरी दी? राइट आंसर होगा चीन। चीन ने COVID-19 के लिए जो वैक्सीन बनी है उसका 2 वैक्सीन हैं उनके मानव परीक्षण की मंजूरी दे दी है। और भारत और चीन को याद रखना, भारत और चीन को जो अलग करती है एक रेखा उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ये एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता, ठीक है। और यांगसी चीन की सबसे लंबी नदी है। यांगसी चीन की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आईसीएमआर ने कोविड 19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर नामक दवाई के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह दवाई किसके प्रयोग के लिए की जाती थी? इसका राइट आंसर होगा इबोला वायरस। इबोला वायरस के लिए आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने जो रेमडेसिविर है ये दवाई प्रयोग की जाती थी इबोला वायरस के लिए। अब इसको कोविड 19 के प्रयोग के लिए मंजूरी देती है कि इसका असर किस तरीके से इफेक्ट होगा ये देखने के लिए मंजूरी दे दी है। और इबोला आया था 2014 के अंदर अफ्रीका कंट्री में, इससे पहले देखा गया इबोला जो वायरस है ये भी काफ़ी खतरनाक वायरस रहा था, 2014 में ये देखा गया और ये अफ्रीका के हरे बंदर से मिला है। तो और बात करते हैं चिकन पॉक्स की, चिकन पॉक्स भी एक वायरस है जो कि वेरिसेला जोस्टर एक वायरस के नाम से होता है। और इसके जो मेडिसिन है, जो इसकी वैक्सीन है, उसको बनाया एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स के वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन बनाया एडवर्ड जेनर। पोलियो, पोलियो भी काफ़ी खतरनाक है, भारत पोलियो के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है और कहीं ना कहीं इस पर विजय भी पाने में हासिल रहा है। इसकी जो वैक्सीन है इसकी स्थापना की थी जोनास जोनास सोल्क ने, ठीक है, जोनास सोल्क ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे कि वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। और कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही 100 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, बाकी जो 100 क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है जैसे ही अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ से ज्वाइन करने में असमर्थ हैं तो आप टेलीग्राम के अंदर टू वर्ड सक्सेस सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टू वर्ड सक्सेस के नाम से, और वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।